अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से तीन चार ऐसे छोटी छोटी टेम्पो करके गाड़ियाँ जा ही रही है, मुरादपुर के लिए निकल रही है, जिसमें टॉर्च, माचिस, मोमबत्ती, मॉप, झाड़ू, कपड़े, किट्स जो है अनाज की तेल, सब कुछ पीने वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मुरादपुर के लिए रवाना हो रही है। हम लोग अभी दादर मोहल्ला, देसाई मोहल्ला और ये पेट पूरा हम लोग करके आए, अभी इंशाल्लाह आगे के लिए भी रवाना हो रही है। काफ़ी काम चालू है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम भाई दो जुमले थोड़ा आपसे भी मैं बात करने को अंधेरा हो जाएगा। अपने देना है ना, देना तो है, खाली बस ये है कि मतलब और क्या जरूरत लगती है। आप सुबह से हमारे साथ में हो, दो दिन से आप लगे हो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हेल्प कर रहे हो, सब कुछ सपोर्ट कर रहे हो, सब जगह सही जगह पे हम लोग घर में जाके दे रहे हैं। तो ये सिस्टम भी आपको कैसा लगा, आप क्या चाहते हो कि अगर आगे लोग आए तो कैसे करें, किस तरीके से करें? अच्छा, सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया आप लोग बम्बई से हमारी खिदमत के लिए यहाँ पे पहुँचे। अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे, आमीन। और कौम के इस तरह के मिल जो आपस का मिलनसार है वो हमेशा कायम रखे, आमीन आमीन। तो जब आप आए और आपके सिस्टम को हम लोगों ने देखे तो बहुत बेहतरीन ये लगा कि आपने जो यहाँ पे किट्स लेके आए, जो हमारी चिपलून के जो सैलाब की वजह से जो परेशानी है और जो हाल हमारे सामने आया जी जी। उसमें आप लोगों ने अब जरूरत को, यहाँ की जरूरत को समझे और जरूरत को समझने के बाद आपने जो अनाज के जो पैकेट बना के लाए वो मुकम्मल पैकेट कहेंगे कि आपकी उसमें हर चीज जो जिससे आदमी दो वक्त का पेट भर खाना खा सकता है, ऐसे 10-15 दिन का एक फैमिली के लिए आपने जो किट्स लाए वो बहुत अच्छा लगा। और आपका जो ये इस तरह का घर घर जाके देना, और जहाँ पे भी मैंने देखा आपने कोई फोटोग्राफी नहीं, जिसको दिए उसकी कोई फोटोग्राफी जी, ये भी वीडियो बनाने का मकसद नाज़िम भाई सिर्फ ये है कि लोगों को ये पता चले कि उनकी जो चीज़ लोगों ने जी है, जैसे हमें काफ़ी जब बॉम्बे से जैसे हमारे ट्रस्ट है सकरीना चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें कुछ 50 किट ARM गोल्ड फार्म के हमारे रहमान मिस्त्री है, उनके थ्रू यहाँ पर आया है, तो उनके भी जितने देखने वाले चैनल जिन्होंने डोनेट किया उनको ऐसा लगे कि चीज़ जगह पे सही पहुँची है। तो आपको क्या लगा है सब चीज़ें सही जगह से सही तरीके से पहुँची है? सही जगह पे और तरीके से पहुँची है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक का पहुँची है। माशाल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है। शुक्र कि आप लोगों के जो टीम साथ में लाए वो बड़ी मेहनती, और सबसे और बड़ी बात है कि आपने यहाँ पे जो मेडिकल के लिए डॉक्टर भी लेके आए। तो रात को मैंने देखा कि हर घर से आवाज़ आ रहे थे, डॉक्टर साहब हमको भी देख लो, और उनको तक का दवाइयाँ पहुँची, अल्लाह उनको भी जगह खैर दे डॉक्टर को। और आपकी सारी टीम का जो एक तरह का निज़ाम है वो परफेक्ट निज़ाम है। हम समझते हैं कि इस तरह की अगर टीम कहीं से निकल के आती है इसे खिदमत में तो एक मुकम्मल काम होता है। बिल्कुल, और ये आपकी जो तंजीम है, जिन्होंने भी इसमें जो इसके चाहने वाले हैं, जिन्होंने भी इसमें मदद किए, अपने अपना जो भी कुछ हिस्सा था उन्होंने जो लगाए हैं, उस अल्लाह ताला उन सब को इसका ज़रूर अजर देगा। हम लोग इंशाल्लाह आइंदा ये रखते हैं कि या अल्लाह हमारे हालात को इतने अच्छे बदल दे कि हम किसी को देने वाले बन जाएं। आमीन आमीन। जो हमने आज जिस हाथ से हमारी मजबूरी में लिए हैं, अल्लाह ताला हमको पूरा ये दे कि हम आपको इस चीज़ का जहाँ पे भी जरूरत हो, कौम को, हम लोग चिपलून वाले इस चीज़ को वापस देने की अल्लाह ताला हमें कुव्वत पैदा कर देंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का ये जो इस तरह का है ना, हम आपका शुक्रगुजार करेंगे, उस मालिक का शुक्रगुजार करेंगे जिन्होंने ऐसे कौम में ऐसे लोगों को पैदा किया है और ऐसे सरपस्तों को रखा है जिसके लिए हम अल्लाह से हमेशा। नाजिम भाई मैं आपके लिए भी करेंगे, आपने जो नाजिम नाम से नाजिम है लेकिन निजामत जो हमारी की है, आपने जो सपोर्ट किया है, जो दिखा है, वरना हम लोग ऐसा काम नहीं कर पाते। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें लिए बोलते हैं, राह खड़े हो जाते हैं, आप वसीला बन गए हमारे लिए। ऐसे कैसे सोच सकते कि हमने मदद, आप हमारी मदद कर रहे हैं, हम आपकी मदद ले रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि उससे कोई हमारी मदद नहीं, ये हमारा काम था जो हम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके पूरी तरह इसमें नहीं उतरे होंगे कि आपकी खिदमत को, नहीं आप खिदमत हमारे लिए भी, हम सोच से ज्यादा हमारे लिए आपने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, माफ कीजिए। नहीं नहीं, आपने बहुत ये काम किया। और यहाँ पे बाकी क्या सामान की जरूरत कम है, जैसे अनाज तो काफी आ रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे थे, हम लोगों ने जो हमारे मुस्लिम समाज के एक जिंदार जिसको ट्रेजरी है वो भी थे, तो हम लोगों से आपस में ये हो रहा है कि अभी देखो खाने पीने के सामान को थोड़ा स्टॉप करके लोगों के अभी ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई की तरफ ध्यान चल रहा है,
उसके बाद उनको सोने के लिए बिस्तर की जरूरत पड़ेगी, सही, वो चीज मुहैया। काफी देखे हम सबके फर्नीचर वगैरह सब तबाह हो चुके, गदेले वगैरह सब तबाह हो चुके। साहिब ऐसे ऐसे थे कि जो साल भर ज़कातों में सदके में उनका पैसा कौम के लिए आता था, उनके आज हाथ वो लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो बहुत तकलीफ देह मंजर है, भयानक मंजर है कि ऐसे लोग जो सालाना लोगों के पूरे इखराजात उठाते हैं, वो आज मजबूर हो गए कि इस चीज़ का सामान से मदद ले। एक चीज़ नाजिम भाई, लेकिन तकलीफ तो देख के बहुत हुई, लेकिन एक बात की खुशी भी हुई कि ऐसे वक्त पे ना कोई हिंदू देख रहा है ना कोई मुसलमान देख रहा है। तो मैं ये पॉलिटिशियंस और ये जो नफरत की आग फैलाते हैं इनसे भी ये करूँगा कि इनको बदल दो। आज यही हमारे भारत की हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सब एक दूसरे में कोई किसी का नाम लेके नहीं कर रहा है, तू हिंदू है तो नहीं दूंगा, तू मुसलमान है तो नहीं दूंगा, सब आगे बढ़े। तो ये बात है कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले हमको यही है कि उसमें कोई मजहब नहीं, अपने दीवारों को इतनी ऊंची मत करो कि पड़ोसी की आवाज़ हम तक न पहुंचे, उसका दुख हम तक न पहुंचे। उनकी हमें पहले से तालीम नहीं है हमारे इस्लाम की, तो हम जानते हैं कि पड़ोसी है नहीं, उसमें कोई मजहब हो, ये देख के बहुत खुशी हुई। ऐसे लोगों तक हम पहुंच रहे हैं तो हमारा काम ही है और हमारे अखलाक ही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अखलाक थे तो हम लोगों के सामने पेश करना है, जो हम कर रहे हैं अभी बेशक उनकी जो ये थी वो हम अल्लाह कबूल करे और सबको हिदायत दे। जी जी जी, जजाकल्लाह। कुछ बर्तन वगैरह की भी आप जिक्र कर रहे थे, बर्तन होना जरूरी है। मैं आपको बताया ना कि अभी किचन का सामान तो सारा खत्म हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है, वो हो जाए, बिस्तरों का ये हो जाए, तो इस तरह का अल्लाह ताला आप लोगों की तंजीम को और हिम्मत दे कि आप इसमें जुड़े रहें और दावत चलाते रहे कि इस तरह की जो मदद है वो यहाँ तक का, जैसे आप आज खाने का ये किए उस तरह ये बाकी के चीज़ों के लिए अगर आप ये करते हैं तो हम चिपलून वालों इसके लिए पूरे लोग आपका शुक्रगुजार। अगर कोई हमारे इस चैनल को देख कर कोई अगर आगे बढ़ता है कि हमें यहाँ पर अनाज वगैरह मतलब बर्तन वगैरह भी सप्लाई करना है या कुछ सामान सप्लाई करना है तो आप इसके लिए मतलब कुछ बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, आपका नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नंबर दीजिए हमारा नंबर। हमारे इरशाद भाई भी सुबह शाम लगे हुए, इन्होंने हमें ठहराया सब हमारे, हमने इसकी क्या इनकी तारीफ करें, इन्होंने जो काम नहीं तारीफ करे कुछ नहीं, बस जो काम था एक कौम के मिल्लत का काम था और ये करना। इरशाद भाई तो आज हमारे वॉलंटियर्स बन के चल रहे हैं हमारे साथ, मैंने देखा कीचड़ में उनकी पैर चप्पल फंस रही है टूट रही है लेकिन ये दौड़ रहे हैं माशाल्लाह हमारे लिए, बस अल्लाह ताला इसका अजर दे। आप लोगों को भी जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।